मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं सुमित, आपका बिजनेस कोच। आज आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि आपका जो बिजनेस है वो ग्रो क्यों नहीं कर रहा है और किस वजह से स्टैग्नेंट हो गया है। सो हम लोग इस वाली चीज पे बहुत छोटे रूप में एक चर्चा करेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मैं आप लोगों से बात करूंगा। तो इस वाली चीज को ध्यान से सुनिए क्योंकि मैं आपको इसके रीजन बताऊंगा क्यों ऐसा होता है और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। सो नंबर वन रीजन जो है जिसकी वजह से बिजनेस ग्रो नहीं करते, उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जो हमारा बिजनेस ओनर भाई है, जो बिजनेस ओनर है वो अपना जो समय है पूरा का पूरा ऑपरेशंस में बिता देता है। ऑपरेशंस का मतलब कस्टमर की डिलीवरी करने में, डेली की फायर फाइटिंग करने में, कस्टमर का ऑर्डर लेने में, कोड देने में, सो डेली के जो ट्रांजैक्शनल काम होते हैं उसमें उसका पूरा का पूरा समय निकल जाता है। और उसका समय जब इस वजह पे निकलता है, इसमें निकलता है, तो वो अपने बिजनेस ग्रोथ के जो काम है उस पर कर ही नहीं पाता। और इस वाली चीज को आप ऐसे सोच सकते हो अपने दिमाग में कि कितनी बार पिछले 3 महीने में आपने अपने आप से ये वाला क्वेश्चन पूछा है कि यार मैं अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाऊं, अपने बिजनेस के लिए क्या क्या स्टेप्स बनाऊं, अपना प्लान कैसे बनाऊं ताकि मैं अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता हूं। और आपको मैं इस वाली चीज की गारंटी देता हूं, आपके बिजनेस में आपके अलावा कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इस वाले क्वेश्चन को सोचता हो। ना तो आपका परचेज वाला सोचेगा, ना सेल्स वाला सोचेगा, किसी को मतलब नहीं है। सबको अपनी सैलरी से मतलब है और पूरी कंपनी में एक ही आदमी होता है जिसे बिजनेस ग्रोथ से मतलब होता है और वो होता है बिजनेस ओनर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारा बिजनेस ओनर भाई है वो यहाँ पे खर्च हो जाता है, बिजनेस के ऑपरेशन में खर्च हो जाता है। अब जब हम उन लोग बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के साथ काम करते हैं, उनसे पूछते हैं भाई आप अपना इतना समय डिलीवरी में, बिजनेस ऑपरेशन में क्यों बिता रहे हो, तो उनका ये वजह होती है सर हमें तो पता ही नहीं, हमारे पास जो स्टाफ है बहुत ही लो स्किल्ड स्टाफ है और अनएजुकेटेड स्टाफ है, हमारा स्टाफ तमीज से काम नहीं करता, चोर बैठे हुए हैं और सही से काम नहीं करता। आपको मैं चैलेंज करता हूं, ये बताना चाहता हूं, जितने हमने बिजनेस ओनर्स के साथ काम करा है कभी भी ये रीजन नहीं होता। इसका ट्रू रीजन मतलब सच्चा रीजन ये होता है कि बिजनेस ओनर के पास स्किल नहीं होती है। किस चीज की स्किल नहीं होती है? इस चीज की स्किल नहीं होती है कि हाउ टू गेट वर्क डन फ्रॉम लो स्किल्ड स्टाफ। आपको एक चीज बता देता हूं, अच्छा स्टाफ कहीं नहीं मिलता, अच्छा स्टाफ आपको बनाना पड़ता है। किसी भी बिजनेस ओनर के पास ये वाली स्किल होनी चाहिए कि वो अच्छे लोगों को तैयार कर सके और तैयार होने के बाद वो लोग जा भी सकते हैं। तो आपको इस वाले सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा कि आप नए लोगों को बहुत तेजी से तैयार कर सको, क्योंकि जब तक ये वाली स्किल नहीं सीखोगे तब तक आपका जो बिजनेस है पूरी तरीके से स्टैग्नेंट हो जाएगा। सो स्टैग्नेंट होने का क्या मतलब है, इस वाले ग्राफ से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। समझो टाइम के साथ क्या होता है, आप अपनी ताकत लगाओगे, अपनी ताकत लगा लगा के अपने बिजनेस को इस लेवल तक पहुंचा दोगे। लेकिन इस लेवल पे, ये जो लेवल है आपका लेवल है 5 करोड़, 6 करोड़, इस लेवल के बाद बिजनेस क्या होते हैं, स्टैग्नेंट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस ओनर इस जगह पे फंस जाता है कि अपने जैसे और लोग तैयार कैसे कर, तो वो बॉर्डर लैंक बन जाता है, सेल्स का बॉर्डर लैंक बन जाता है, डिजाइन का बॉर्डर लैंक बन जाता है, इस वजह से वो बिजनेस को ग्रो नहीं करता। और आपको इस वाली चीज की मैं गारंटी देता हूं, अगर आप अपने बिजनेस ऑपरेशंस को बिना अपने चला नहीं सकते या 1 घंटे के अंदर मैनेज नहीं कर सकते तो आपका बिजनेस ग्रो होगा नहीं, एक लेवल पे जाके रुक जाएगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने बिजनेस ऑपरेशंस को ऑटो पायलट में डालें, क्योंकि जब तक आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में नहीं डालें तब तक ये वाली चीज होगी नहीं, आप चाहे कुछ करें। तो इस वाली चीज के लिए मैंने बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के साथ मिलकर अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में ले जाके एक फ्रेमवर्क डिजाइन किया, और इस फ्रेमवर्क का नाम है PTSDM फ्रेमवर्क। और ये जो फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क को ले जाके हमने अपनी कंपनी को बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के साथ बैठ के उनके बिजनेस को ऑटो पायलट में लेके। सो मैं इस वाली वर्कशॉप में आपको इनवाइट करता हूं अपने बिजनेस की ग्रोथ की तरफ काम करने के लिए और अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में ले जाने के लिए। और ये वाला जो फ्रेमवर्क है ये आप जैसे बिजनेस ओनर्स के लिए ही बना हुआ, जिसमें मैं आप लोगों को ये वाली चीज बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में लेके जा सकते हैं, अगर आपके पास एजुकेटेड स्टाफ नहीं है, अगर आपके पास लो स्किल के लोग हैं तो भी, क्योंकि आप देखो जो लोग ये वाली चीज सीख लेते हैं वो लोग अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। आप इसका एग्जाम्पल किसी भी तरीके से देख सकते हो, मैकडोनल्ड देख सकते हो, कैफे कॉफी डे देख सकते हो, इस सारी कंपनियों के मालिक को आप जानते नहीं हो, और यहाँ पे जो आपको आदमी मिलेंगे वो कोई बहुत स्किलफुल लड़के भी नहीं मिलेंगे, आराम से खूब दबा दबा के नौकरी छोड़ते हैं, उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता,
क्यों? क्योंकि उन्हें लो स्किल स्टाफ के साथ काम करवाना आता है और कंसिस्टेंट और क्वालिटी निकालनी आती है। सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो वर्कशॉप मैंने आपके लिए डिजाइन करी है, इस वाली वर्कशॉप को करिए। इसमें मैं आप लोगों को पीटी स्टेडियम का फ्रेमवर्क दूंगा, जिससे कि आप अपने ऑटो पायलट बिजनेस, अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में लेके जा सकते हैं और इसे ग्रोथ पे काम कर सकते हैं, जो आपका रियल रोल है एज अ बिजनेस ओनर। आपका जो रियल रोल है वो है बिजनेस को ग्रो करना, रोजमर्रा की फायर फाइटिंग में खत्म होना नहीं आपका रोल। सो ये वाली जो वर्कशॉप है, इस वाली वर्कशॉप में क्विकली आपको बता देता हूं कि आपको मिलेगा क्या, व्हाट विल यू गेट इन दिस वर्कशॉप। लाइव क्लास, जिसमें मैं आप लोगों के साथ इस वाली चीज में काम करूंगा, लाइव क्लास जो कि ऑनलाइन है, और आपका पूरा का पूरा कंप्लीट बिजनेस रोड मैप, जिसमें आपके पास पूरी तरीके से स्टेप्स लिखे होंगे, जिस स्टेप्स को ले जाके आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में डाल सकते हो। ये मेरा इस वाले प्रोग्राम का प्रॉमिस है। आशा करता हूं ये जो मैंने आपके लिए वर्कशॉप बनाई है बहुत कायदे से डिजाइन करी है, और इसे आप क्रैश कोर्स की तरह से, क्रैश कोर्स का मतलब जो इंपॉर्टेंट बिट्स हैं, मुझे ऑटो पायलट के बारे में जितना आता है वो सारी चीजें मैंने इसमें भर दी है। कॉम्पैक्ट छोटा कोर्स है, क्रैश कोर्स है, क्योंकि आप लोग एक्सपीरियंस बिजनेस ओनर्स हो, मुझे आपको कोई भी चीज नए तरीके से नहीं सिखानी, आपको यूं हिंट दूंगा और आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। सो मैं आपको इनवाइट करता हूं अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में ले जाने के लिए और रियल अपना रोल निभाने के लिए, जो कि आपका बिजनेस ग्रोथ। तो मेरी आपसे कोर्स में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।